30 माल की 40 माल की आपके लिए दूध नहीं है। वो किसी ने मुझे दूध लाके नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद। छोटू भाई के लिए दूध है, आपको नहीं पीना चाहिए। मैं जानती हूँ। कैसे जानती है? वो अभी अभी तुमने कहा ना। मैंने कहा था, रुकिए मैं आपके लिए दूसरा दूध लाता हूँ। पहले ये दूध ले जाके छोटू जी को दो। ठीक है, छोटी माल के मालिक से कह के मुझे परमानेंट करा देंगी? ओह श्योर, जरूर कराऊंगी। अब ये ले जाके छोटू जी को दो। जी अच्छा। छोटू जी, मुझसे बच के भाग रहे हो? आज मैंने जो चाहा वो हासिल नहीं किया तो मेरा नाम प्रभावित नहीं। छे, रोज ये फीका दूध पी के जान जा रही है। चे, 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 चे। ए बंसी। जी मालिक। इधर आ। हाँ मालिक। आज तो मीठा दूध पीऊंगा। ए क्या है ये? दूध है। किसके लिए? छोटू जी के लिए। छोटू के लिए? बहुत कम है। मालिक 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 मालिक। ये क्या, इस दूध में भी शक्कर नहीं है? आपने पहले पूछा नहीं ना, आप फीका दूध पीते हैं इसलिए छोटू जी भी फीका दूध पीते हैं। मालिक मालिक छोटू जी बड़े मालिक शक्कर खा रहा है, तुम मेरी खातिर बिना शक्कर का दूध पी रहा है, तेरा जवाब नहीं। पिताजी पिताजी पिताजी। बड़े मालिक, बड़े मालिक आप कहाँ हैं? बड़े मालिक आप कहाँ हैं? आप यहाँ? बंसी कह रहा था कि आप बहके बहके बातें कर रहे हैं। वो ये क्या? वो तू बिना शक्कर का दूध पी रहा है सुन के शौक हुआ था मुझे। ये क्या, आप अजीब सी बातें कर रहे हैं। वो मेरा गला ठीक नहीं है। ओ नहीं, अंग्रेजी में शौक बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है, तू जा। कहाँ जाऊंगा, आपको पता ना आपके पैर दबाए बिना नहीं जाता हूँ। लेटे रही चुपचाप, अभी दबा। ये क्या, कहा था ना गला ठीक नहीं है। वो नहीं, कड़क रहने वाले पैर आज इतने नरम नरम क्यों हैं? अरे नरम नरम पैर दबाते हो, मुझे भी अच्छा लग रहा है। फिर से खांस रहे, लगता आपको जुकाम हो गया, अभी ठीक करना। ये अमृतांजन छाती पर अच्छी तरह मल देता हूँ, जुकाम गायब हो जाएगा। दिखाइए मल देता हूँ, दिखाइए। नहीं नहीं, दिखाइए मल देता हूँ। रहने दो, अरे कैसे रहने दो। चलो चलो जाने दो यार, चलो यार। तू कहाँ जा रहा है? मुझे नहीं पता छोटू भाई, कोई चुंबक की तरह मुझे खींच रहा है। चुंबक भी नहीं, चुंबक भी नहीं, जा। छोटू भाई। क्या क्या, पंप के नीचे हाथ पर धो के जाऊंगा ना? क्यों, किस लिए? बिना पांव धोए जाऊंगा तो बीवी लात मारेगी ना। तो मैं मारता हूँ ना। ओ, मुझे इतनी सारी अकल देने वाले भगवान ने पढ़ाई क्यों नहीं दी? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। रो रहा है और कह रहा है कुछ नहीं है, बात क्या है बता, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वादा? पक्का वादा? ओपो, अनजाने में चिट्ठी दिखा दी। चिट्ठी? किसने भेजी? मेरी लवर ने। लवर ने? तेरी लवर भी है? सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे परदादा सब ने प्यार करके ही शादी की, मालूम है? तेरे वंश को देखकर ही पता चलेगा कि प्यार अंधा होता है। अच्छा छोड़, तेरी लवर कौन है? तुमसे बताने के लिए मैं क्या बेवकूफ हूँ? तू बहुत अकलमंद है तो मैं जानता हूँ। तेरी लवर ने लेटर लिखा है तो इसका मतलब है कि वो पढ़ी लिखी है। फिर मुनीम की बेटी पढ़ी लिखी नहीं होती है क्या? अच्छा वो मुनीम गोविंद जी की बेटी है? ओ, मुंह से फिसल गया। तू फिसल कर ही पैदा हुआ था, वो लेटर दे, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। पढ़ के सुनाओगे? हाँ पढ़ो। सुनो, दीवार के भी कान होते हैं, अंदर जाके पढ़ते हैं। चलो। सुनो मदन, ये मेरा प्रेम पत्र है, धीरे से पढ़ना, कोई ना सुन ले। अरे वाह, लड़की से ज्यादा लिखावट सुंदर। लड़की भी तो सुंदर है ना। अच्छा। प्यारे बंसी, मैं हूँ तेरी बांसुरी। अरे मेरा कान क्यों बंद कर रहा है? मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? तुम पढ़ोगे तो तुम खुद नहीं सुनोगे, इसलिए कान बंद करके रखा हूँ। जो लेटर मैं पढ़ रहा हूँ मैं ना सुनूं, इसलिए मेरा ही कान बंद कर रहा है। वाह 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 वाह, तेरा तो जवाब ही नहीं। तेरे जैसा अकलमंद न कभी दुनिया में पैदा हुआ है और न कभी होगा। ये चिट्ठी पढ़ने लायक नहीं है, बचाने लायक है। मेरी चिट्ठी, मेरी चिट्ठी। मालिक मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? छोटू जी के पास। किस लिए? वो ये है कि जो रुपए आए हैं उसे किस किस के नाम से किस बैंक में जमा करना है, इस घर के लिए जरूरी सामान कहाँ से खरीदने हैं, ये सब बात छोटू जी ही जानते हैं। क्यों बे, आज तक ये सारा काम वीरू ही कर रहा था तो तुम सब इस घर पे बैठकर क्या कर रहे थे, गधे चरा रहे थे? घर है कि धर्मशाला? अरे चुप, चुप रहा, हम बड़े बात कर रहे हैं। रसोई में क्या बनाना है, कितना बनाना है, ये जाने बिना सब बैठे हुए हैं। छोटू जी दो दिनों से काम पर नहीं आ रहे, मालूम है ना, ड्राइवर को भेज के उन्हें बुलाइए। दो दिन से तू कहाँ था? समंदर कैसा है देखने के लिए चौपाटी गया हुआ था। उस समुद्र में डूब मर। नमकीन वाले गोविंद,
इसका हिसाब करके भेज दे। मालिक मालिक मालिक, हिसाब दे के ही पैसा दूंगा, फिर साहब के सामने भिखारियों की तरह क्यों चिल्ला रहा था तू? तू कब आया था? तुझे कितना देना बता? मुनीम आप है कि मैं हूँ? अगर आप नहीं जानते तो हिसाब छोटू भाई से पूछ लीजिए। क्या बकवास कर रहा है? मुझे नौकरी से निकाल दिया ना। अरे बंसी क्यों रो रहा? कहाँ जाऊंगा, कैसे जीऊंगा, ये सोच के रो रहा हूँ। ठीक है बंसी, तू रो मत। देखो मेरे घर की देखभाल के लिए कोई नहीं है और मेरी बेटी भी यहाँ काम करती है। तू मेरे घर की देखभाल अच्छी तरह करेगा। करूंगा जी। वो परमानेंट है कि नहीं पूछो। लेकिन ये नौकरी परमानेंट है ना जी? वो तुम्हारे चाल चलन पर निर्भर है। चाल चलन आजरा है जी। अरे ये क्या टेढ़े मेढ़े चल रहे हो? अच्छी नहीं है तो चलन देखो है ना। तू परमानेंटली टेम्पररी हो। ओफ़ो, पेट पे चूहे कूद रहे हैं। क्यों बापू, बहुत भूख लगी है? हाँ बेटी, इडली लाने के लिए उस बंसी के बच्चे को भेजे, 2 घंटे हो गए, देर न कर दे इसलिए अपनी गाड़ी भी दे दी मैंने। आ गया, बहुत खुशी की बात है। आ, 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 आ। क्यों बे, क्यों इतनी देर कर दी तूने? मुझे इसे भी धकेलना पड़ा, अगर ये ना होती तो दौड़ के जाता, दौड़ के आता। यानी तुझे बाइक चलाने नहीं आती? फिर लेके क्यों गया? आपने ले जाने को कहा, ले गया। किस्मत खोटी है मेरी। ठीक है, भूख के मारे जान जा रही है, इडली कहाँ? वो देखिए गठरी में आ रही है। गठरी में ला रहे हैं? अरे भाई इन्हें यकीन नहीं हो रहा है, गठरी खोल के दिखा। अच्छा जी, इतनी सारी इडली क्यों लाए? और नहीं तो क्या, 494 रुपए में इतनी इडली तो आएंगी ही ना। 494 रुपए की इडली? फिर बोलने के लिए बोल देते हैं, फिर भूल जाते हैं। मैंने नागमणि। नागमणि क्या है जी? क्या है जी? उस वक्त तुम्हारे बापू ने मुझसे क्या कहा था? जरा रुकिए, मैं सोच के बताती हूँ। क्यों बेटी, फ्लैशबैक में जा रही हो? हाँ बापू। बाप रे बाप, बड़ी भूख लगी है। तू रामबर से होटल जाके खाने के लिए कुछ ले आ। मुझे भी लग रही है। तू भी कुछ खा लेना और मेरे लिए सिर्फ इडली ले आना। देखो ये नोट कितने का है जानता? मैं कोई बुद्धू मुझे इतना भी नहीं जानता, 500 रुपए का नोट है। आई शाबाश, ऐसा कह रहा कि जैसे तूने इसे छापा। ठीक है, भूख लगी है, गाड़ी ले जाके जल्दी से ले आ। बस यही हुआ था। क्यों बे, छुट्टा नहीं था इसलिए 500 का नोट दिया तो पूरे 500 की इडली ले आया। तुझे तो इडली से मारूंगा। नहीं बापू, अरे बापू, भूख लगी है बेटी। हाँ, चटनी सांभर कहाँ है बे? दिया था। वो कहाँ है? मैंने ही मना कर दिया। किस लिए? यही तो, आप बार बार भूल जाते हैं। नागमणि, तुम्हारे बापू ने क्या कहा था? ओफ़ो, बिना चटनी सांभर के इन इडलियों की बातों को लेकर कितनी बार फ्लैशबैक में जाओगी? तू भी कुछ खा ले और मेरे लिए सिर्फ इडली ले आना, ये लो। इन्होंने ठीक से नहीं समझा, फिर से बोलो। मेरे लिए सिर्फ इडली ले आना। ओफ़ो, इन इडलियों से मैं तुझे दफना दूँ। से यहाँ से भाग जा। अरे भाग जा। बापू, अगर आपने इन्हें यहाँ से निकाला ना तो मैं भी चली जाऊंगी, क्योंकि मैं इनसे नहीं। तेरी और इस काले की काली प्रेम कहानी सुनने की ताकत मुझ में नहीं है बेटी। ये काला कौवा ही तेरी जाने, इसके बिना तो जिंदा नहीं रह सकती, कहने वाले इतना ही ना। हाँ बापू। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या है? तू एक अकलमंद आदमी है, ये सारी दुनिया के तेरी शक्ल के लिए सारी दुनिया क्यों? इन गांव वालों के सामने साबित करो तो नागमणि कहा तेरे हाथ में दे दूंगा। फिलहाल तू दफा हो जा, दफा हो जा। अरे सुबह सुबह ये गांव वाले दीवाने की तरह कहाँ भाग रहे हैं? अरे बुद्धि रुक जा। अरे कहाँ जा रहे तुम? हैं तुम विरोधी दल वाले हो इसलिए तुम्हें बताना नहीं चाहिए, फिर भी तुम एक जवान लड़की के बाबू, इसलिए बता देता हूँ। वो अपना बंसी है ना, वो अपने हाथों से काली पहाड़ उठाने वाला है। अरे रुको रुको रुको, बंसी का बच्चा काली पहाड़ उठाएगा? तू मुझे बेवकूफ समझ रहा है? अरे इसमें समझने वाली कौन सी बात है, वो तो सारी दुनिया समझती है, इसलिए 10 रुपए की टिकट लेके सब जा रहे देखने के लिए। बापू बापू मैं भी जाऊँ? अरे तुम मैं देखा था, चल। अरे वो मेरी बेटिया से छोड़ो। सब शांत हो जाइए। अरे सुनो, हनुमान जी की तरह पर्वत को उठाना है, जरा दबा के मानिए। वो पहाड़ को नहीं, तुझे उठाने वाला है। अरे ये क्या बोल रहे हैं मुनीम, उस पहाड़ को उठाना आसान है लेकिन इस पहाड़ को उठाना मुश्किल है। हाँ हाँ, जवान लड़की को देखते ही सफेद बाल वाले बूढ़े को भी मजाक खुलता है। मैं तैयार हूँ। अरे कहेगा तैयार, पहाड़ उठा। वो यहाँ तो पहलवान आ जाओ। किस लिए? उस पर्वत को उठा के मेरे हाथ पे रखने के लिए। अरे मैं पहले से बोला ना, ये यहाँ जरूर कुछ न कुछ फिटिंग करेगा, पर मेरी बात किसी ने नहीं मानी। अरे तुम्हारी बात तो तुम्हारी बेटी नहीं मानी तो हम क्या मानेंगे? ये है उल्लू की पट्टी। क्यों, कोई पहलवान नहीं है तो पूरे गाँव वाले आ जाओ और उस पर्वत को उठा के मेरे हाथ पे रखो, तब मैं अकेला उठाऊंगा। अरे ये सब गाँव वालों को बेवकूफ बना रहा, आज इसे नहीं छोड़ूंगा, आज इसकी पिटाई करके रहूंगा। उसे मत मारो। मत मारो।
क्यों क्यों उस भोले भाले पर प्रहार कर रहे थे तुम सारे? हाँ भोला भाला और ये हाँ। स्वामी आपने मेरी प्रीतम को बचाया, उसके लिए थैंक्स। इधर आओ कन्या। किस विद्यालय में पढ़ी हो? को एजुकेशन। दैट्स वंडरफुल। अरे नहीं नहीं नहीं, ज्यादा पास मत जाओ, यहाँ से बात करो। ओके ओके। गांव वालों के सामने अकलमंद ये साबित करने से अपनी बेटी से इसकी शादी करा के बोला था? हाँ बोला था। अब मैं बोलता हूँ, इन सभी गांव वालों से यही सबसे ज्यादा अकलमंद है। वो कैसे? श्री कृष्ण और हनुमान जी की सेवा किसी ने पर्वत उठाया क्या? नहीं नहीं। हाँ, अनहोनी को होनी कराऊंगा ये विश्वास दिलाकर सबसे 10,000 रुपया वसूल करने वाला यही सबसे बड़ा अकलमंद है। ये पॉइंट जरूर गौर करने लायक है। एक अकलमंद ही दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। इज वेरी ब्राइट। अब मानते हो या नहीं? वो मान गए, इसीलिए दिल का दौरा पड़ गया। स्वामी जी स्वामी जी, आपका आशीर्वाद हो तो अगले हफ्ते मैं पानी पर चलूंगा, उसके बाद जमीन पर तैरूंगा। अच्छा, तो जमीन पर तैरो देखते हैं। मैं स्विमिंग सूट नहीं लाया। बनकर तो पानी में चल या जमीन पर तैर, मुझे कोई फर्क नहीं है। मेरी बेटी के साथ गृहस्थी ढंग से चलाएगा या नहीं? स्वामी जी कहेंगे तो चलाऊंगा, लेकिन स्वामी जी की तरह लंगड़ा के नहीं चलना। जिंदगी भर कुंवारा रहेगा, पकड़ डंडा। इधर हाथ मिला लो। हाँ। सब ताले बजाओ। मैं चलता हूँ। स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, ये मेरे नाक में नहीं क्या हाथ है? ओ सॉरी, मैंने अपना डंडा समझा, सॉरी। स्वामी जी हो तो ऐसे, लड़की और डंडे में फर्क मालूम नहीं। ये हिम्मत अंदर से कैसी आवाज है? मालकिन मालिक अंदर टीवी देख रहे। मालकिन इतनी जोर की आवाज के साथ? वो इंग्लिश फिल्म देख रहे मालकिन, उसमें डिशुम डिशुम ज्यादा होता है ना, वही देख रहे हैं मालकिन। सुबह सुबह फिल्म देख रहे हैं? और रात में दूसरी फिल्म देखते ना मालकिन, इसलिए सुबह सुबह अंग्रेजी फिल्म देख रहे हैं। ठीक है हट जाओ। क्यों मालकिन? कॉफी देना है। ठीक है। बिटिया तौलिया भूल गई मालकिन, आप ले आके दे दीजिए, मैं कॉफी अंदर दे देता हूँ। मालिक 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 मालिक, इसे छोड़ दिए, इसे छोड़ दिए, कहीं मालकिन को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी, इसे छोड़ दीजिए। उठ, गौर से सुन, टाइम पे घर पे पैसा आ जाएगा, तू यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। चल भाग, चल भाग यहाँ से, कभी नजर मत आना। बच गया साला। सुनिए मालिक, बिटिया शादी कर देना ही बेहतर होगा। अबे चुप कर, वो अभी तक बच्ची है, इतनी जल्दी शादी? सही कहा, आपके छोटे भाई की शादी अभी तक नहीं हुई और होगी भी इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों 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 कह रहे हैं? आपका भाई आपकी साली के सिवा किसी और से शादी करेगा नहीं, और आपके ससुर जी अपने जीते जी अपने बेटी की शादी आपके भाई से करेंगे नहीं, तो शादी भला कैसे होगी? पकड़िए जी, पकड़िए जी। अब यहाँ क्या लेना है? तुमसे क्या लेना है? लड़की बनाते हुए देख ले तो उसमें गलती क्या है? इसके लिए तुम्हें इतना मारोगे? अब प्लेट बदलता हूँ, लड़की बनाते हुए देखने वालों को कोई बात छोड़ देगा क्या? जान से मार डालता है। मैं ठीक है ना? बाहर जा। क्या? बाहर जा। ठीक है, दरवाजा बंद करके जाना। जाता हूँ, ना इधर के ना उधर के, मैं तो धोबी का कुत्ता हूँ ना, ना घर का ना घर का।